नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल में पिपरिया नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर है। ज्ञापन एसडीएम संतोष कुमार तिवारी और बीएमओ डॉक्टर ऋचा कटकवार को सौंपा। पिपरिया में पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी कई वर्षों से ज्ञापन देकर प्रत्यक्ष चर्चा कर मांगों के निराकरण के संबंध में निरंतर शासन को अवगत करा हड़ताल की जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा आश्वासन के अनुरूप हड़ताल को स्थगित भी किया गया, परंतु मांगों का निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। हम लोग ये सब लोग प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें है हमारा पुरानी पेंशन योजना लागू करना, स्टाइपेंड हमारा 8,000 करना, और हमारे जो सेकंड ग्रेड में हमारे जो अदर स्टेट में जो सेकंड ग्रेड चल रहा है उसको हमारे एमपी में भी सेकंड ग्रेड पर ले आए लेके आना नाइट अनाउंसमेंट और नाइट अनाउंसमेंट देना थे। हड़ताल आपकी जो चल रही है, मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो रेगुलर स्टाफ है नर्सिंग का, वो आज से हड़ताल पे जा रहा है। ऑलरेडी 13-14 नर्सिंग स्टाफ है जो पूरा पिपरिया अस्पताल देखता है, और उनके हड़ताल पे जाने की वजह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाली हैं, जिसमें हमारी जो कैजुअल्टी इमरजेंसी सेवाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सेवाएं हम देते हैं लेबर रूम में, वो इफेक्ट होंगी। तो इसके लिए अभी हमने बस ये किया है कि जो हमारे पास संविदाई नर्स हैं उनका लगाया है, लेकिन रेगुलर स्टाफ नर्स की जो भी डिमांड्स हैं उनको लेके उन्होंने आगे भी दिया है स्टेट में, वो होनी चाहिए टाइम पे, वरना अस्पताल की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये लोग इमरजेंसी सेवाएं भी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, कुछ नहीं देंगे। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।